पार्षदों से अब तो अभद्रता से बात करने लग गए, अगर कोई टेलीफोन करता तो गाली बकते, उनके मुकदमा कराने की धमकी, 90 भी करने के लिए उनको पैसा कमाने के लिए तो उनके पास में टाइम है, लेकिन वार्ड में विजिट करने का टाइम। रमजान का महीना और नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, लेकिन दौसा नगर परिषद में सफाई व्यवस्था का हाल बड़ा ही बेहाल है। शहनवाज उर्फ सनी खान की माने तो वार्ड नंबर 15 में पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है, तो मजबूरन पार्षद को वार्ड 15 का कचरा भरकर नगर परिषद के आयुक्त महोदय के कमरे के बाहर डालना पड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने पूर्व में लिखित में 15 तारीख को अवगत करवाया था प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन परिषद प्रशासन ने किसी भी अधिकारी को मौके पर आकर समस्याओं का समाधान तक नहीं करवाया। आखिर खान ने अपनी जनता के हक के लिए वार्ड 15 का पूरा कचरा उठाकर नगर परिषद के अंदर आयुक्त के कमरे के बाहर डाल दिया, जिससे उच्च अधिकारियों को पता रहे कि गंदगी किसे कहते हैं। अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था सही नहीं की गई तो वार्ड वासियों और दौसा की जनता को साथ लेकर नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठने की धमकी भी दी है। सनी खान ने कहा कि वो जनता के अधिकारों के लिए ऐसे ही आवाज बुलंद करेंगे, मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, क्योंकि नवरात्रे और रमजान के महीने में सफाई व्यवस्था बहुत ही खराब है, अगर अभी भी सफाई नहीं होती है तो जल्द ही नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन तेज किया जाएगा। ये जनता की रोज रोज हमें गालियां मिल रही है, नगर परिषद आके बंद करके बैठी हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और रमजान का पाक महीना आ गया, नवरात्र आ गए, सफाई व्यवस्था को लेके 15 तारीख को लिखित में अवगत करवाया, लेकिन आज दिन आज तक भी ना तो कोई कर्मचारी वहाँ गया विजिट करने, ना कोई अधिकारी गया, 90 भी करने के लिए उनको पैसा कमाने के लिए तो उनके पास में टाइम है, लेकिन वार्ड में विजिट करने का टाइम नहीं है। मजबूरन आज मुझे वार्ड से कचरा उठा के नगर परिषद डालना पड़ा, लाखों रुपए का बिल पास हो रहा, पूरा दौसा सिड़ रहा है, पूरी दौसा के अंदर गंदगी हो रही है, पार्षदों से अब तो अभद्रता से बात करने लग गए, अगर कोई टेलीफोन करता तो गाली बकते, उनके मुकदमा कराने की धमकी देते हैं। इस मांग को लेकर, सफाई को लेकर मैं नगर परिषद के बाहर आ गया, यहाँ कचरा ले आया मैं नगर परिषद के अंदर, इनको पता चलना चाहिए कि सफाई व्यवस्था क्या होती है, कचरे की बदबू कैसे आती है, अब जब बदबू सूंघेंगे जब इनको पता चलेगा गंदगी क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।